वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। और देख सकते हो मेरी है लोकेशन चेंज, मैं आई हूँ पापा के घर और मेरे पापा जी। हेलो बोलो पापा। ये मेरे पापा जी, आप पहले भी मिल चुके हो, पहले और ब्लॉग में मिल चुके हो मेरे पापा जी से। और आज पापा के घर है फंक्शन, देख सकते हो, तो सोचा थोड़ा सा शूट करके आप लोगों को दिखाया जाए। तो यहाँ अभी चल रही हैं तैयारियाँ, ये देख सकते हैं। और पहुंची हूँ इसीलिए ताकि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा सकूं, और थोड़ा सा यहाँ पे पहुंच के भाई अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत है, कुछ काम कर सकें। तो अभी सिर्फ यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इधर खाने का है और इधर आज है यहाँ पे पापा के यहाँ माता रानी का जागरण, तो उसी के लिए सब तैयारी हो रही है। और देखो हमारी हीरोइन भी यहीं खड़ी हुई है, हमारी चंपा कली। हेलो, पहले भी मिल चुके हो बहुत सारे ब्लॉग में, ये मिल गई होंगी आपको, और आज फिर यहीं मिल चुकी हैं, ठीक है। और ये मेरी दादी जी, ये मेरी माँ। माँ राम राम बोल दो सबको। राम राम सबको। तो भाई सब लोग हमारी दादी की ले लो राम राम, ठीक है। और देख सकते हैं लगभग मतलब टेंट लग चुका है। वैसे तो माता रानी का जागरण होता है कितने बजे से, रात को 10 बजे से, शाम को, हाँ। शाम को है, शाम पहले को खाना है।, है और उसके बाद जागरण, उसके बाद जागरण है। और ये हमारा सनम, देखिए आज तक आपने कभी सनम द ब्लॉगर किसी बच्चे का नाम सनम सुना है, लेकिन इसके पापा ने ना कुछ सोच के रखा है। क्या ना क्या सोच के रखा है, ताकि स्कूल की हर लड़की उसको बोले सनम, गुस्से में भी हो तो भी मुझसे सनम ही निकले। यस, इसीलिए इसका नाम सनम रखा है। तो सोच सकते हो आप कि किसी बच्चे का नाम होगा सनम। और लगभग सभी चीज वो कर दो। और मुझे यहाँ पे एक एक वेलकम है हमारे ब्लॉक में, आओ। और मुझे घर पे आके ना सिर्फ एक ही काम दिया गया है, और वो काम दिया गया है इनविटेशन देने का। अच्छा। मतलब जो लोग रह चुके हैं, क्योंकि मैं भी लेट आई हूँ यहाँ पे, और जो लोग रह चुके हैं उनको इनविटेशन देने का काम मुझे दिया गया है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट किया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि मैं कहाँ तक जा रही हूँ। चल रही हो अभी आ रही हूँ, पानी पी लूँ, जरा सा प्यास लग रही है बहुत देर से। तो चलो हम और दीदी जाएंगे बस, जिनके कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, जो छोटा सा काम हमें दिया गया है कर दें भाई, क्योंकि घर में जब होता है किसी तरीके का काम तो करना भी चाहिए। और देख सकते हो कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। और इसी में मैं और भी जो आगे का रहेगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बस आप लोग बने रहिएगा। और जो भी लोग भूले भटके नए लोग आ चुके हैं मेरे ब्लॉग में, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये हमारी दादी जी की सहेली, जो हमारी दादी जी का टाइम पास करती रहती है। बालाजी करो राम राम। राम राम। देखो ये भी राम राम कर रही हैं, ठीक है। और तो ये हमारी दादी जी का टाइम पास करती रहती हैं, देखो। और हमारी दादी हो रही है बहुत खुश। तो फ्रेंड्स आप लोग भी हमारी दादी की स्वीकार कर लेना राम राम। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? इसके घर पे। किसके घर पे? इसके घर पे। किसके घर पे? इसके। तुम कितने साल के हो गए हो? 10। 10 साल के। नमस्ते बोलो सबको। बुआ जी नमस्ते। बुआ जी को नहीं, सामने कैमरे में बोलो सबको। सब नमस्ते। जोर से बोलो सबको नमस्ते। और देखो जिनके साथ मुझे जाना है वो आ रही हैं जिनके साथ मुझे जाना है, इन्हीं के साथ जाना है इनविटेशन देने। वैसे तो सभी लोगों को दे दिया है, लेकिन जिनके यहाँ देना था उनका हमें नंबर नहीं मालूम था, इसलिए अब स्पेशली उनके घर जाया जाएगा। उनके घर जाके उनको बोला जाएगा कि भाई रात को आपको आना है। तो आ रही है, यहाँ पे स्टार्ट है। यहाँ पे देखो खाने का रहने वाला है, खाने का सब सिस्टम रेडी हो रहा है, इधर भी सब तैयार किया जा रहा है, ठीक है। आ जाओ अगर अब की बार लौट के गई। चलिए कोई ना कोई बुला लेता है। तो हम दोनों की जोड़ी चलने लगी इनविटेशन देने के लिए, तो आप लोग भी बने रहिए, अब देखते हैं। वैसे पता है क्या, हम लोग कहीं निकलते हैं ना तो सब मुझे ही देखते हैं कि क्या है इसका, ये क्या चल रहा है। लेकिन अब मैंने शर्म छोड़ दी है। बहुत शर्म आती थी, लेकिन अब शर्म खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब अगर हम ब्लॉगर हैं तो भाई शर्म किस बात की है, तो है कि नहीं। अगर हमने शर्म की तो भाई जिसने की शर्म उसके पुट्टे करो।
इसलिए अब शर्म नहीं, खुल के जीना है और किसी से नहीं डरना है। दादी तो कहीं ना कहीं और बनी रहिएगा साथ भाई, हम पहुंचने वाले हैं जहां भी हम पहुंचना है, बस थोड़ी सी ही दूरी पे है उनका घर। पहुंच चुके हैं हम जहां हमको आना था। तो बैल भी बहुत भयंकर बैल है, सोते हुए को जगा देगी ये बैल। कोई आ रहा है, और शायद हम गलत टाइम पे आए। ये सोने का टाइम है, दोपहर का टाइम है, और हो सकता है सो भी रहे हो, लेकिन हम आए हैं उनकी नींद खराब करने। नमस्ते। ऊपर से झांक रही हैं, गेट नहीं खोल रही हैं, ऊपर से देख रही हैं। देखो मैं कितनी फेमस हूँ। अरे हाँ ठीक। तो देखो हमने दे दिया है इनविटेशन, ठीक है, जो हमें काम सौंपा गया था उसको पूरा कर दिया, लेकिन शायद उनको इनविटेशन पहले से ही मेरे पापा ने भी दे दिया था। ये हम दोबारा आए, हमारा क्या हो गई, गुगली हो गई ना। हम लोग इतने एक्साइटेड होके आए थे कि हमें सिर्फ एक काम सौंपा गया है और वो भी हमारी गुगली हो गई। कोई बात नहीं, हमें अपने फ़र्ज़ की पूर्ति करनी थी, वो हमने कर दी। ये मेरे फूफा जी हैं और मेरे को ताना मार रहे हैं। अच्छा। तब से ही पता है कि मैं बीमार रहती हूँ, उसके बाद भी कह रहे हैं। ओहो, हमें जब पता ही ना था बिल्कुल। बुआ जी से पूछना, छोटू भी रुक गया, छोटू ने बताया बार भी यार। बुआ जी से पूछना और बुआ जी पे, हिमांशु पे, सब पे मेरा फोन नंबर है। कभी किसी ने खबर ली? हिमांशु तो है ही नहीं होता तो मैं क्या हूं, मत बिल्कुल नहीं। हिमांशु तो दिल्ली है, उसको तो प्यार पे भी आया, अगले दिन ही भाग गया हूं। हां उसको तो कहो मत, फिर आप मेरे को शिकायत करो। यहां कहो मत, हम दोनों ही देखो। तो फिर बुआ जी से पूछते ना, मोनिका दिखाई नहीं देती। मेरे पता नहीं वास्तव में, मुझे बहुत बड़ी शिकायत है, तुम लोगों ने मेरी खबर नहीं ली बिल्कुल भी। मैं तो बड़ा दुख हो रहा है। ये बुआ फूफा जी ना बिल्कुल भी, मर भी जाऊंगी ना तब भी खबर ना लेने चाहिए। अरे भाग लेंगे ऐसा मत कर, बिल्कुल भी सही बात है। मर गया चलो, बड़ा सोच रिया हम, पता नहीं बिल्कुल भी। और ये मेरी कॉलोनी का मेरा रोला है, मेरी कॉलोनी में डरते हैं सब मुझसे। ऐसा है व्यवहार मेरा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ऐसा है मेरा व्यवहार मेरी अपनी कॉलोनी में, और जिससे सब लोग रहते हैं बहुत खुश। और जैसा कि काम हमने अपना लिया है निपटा, और अब हमारी दादी को, बड़ी बूढ़ी हैं, उनको रहता है कि इनके साथ बैठ के कोई पंचायत करे, ठीक है। तो अब इन्होंने हमें बिठा लिया है कि बैठ जाओ, थोड़ी सी मुझसे गप्पे मार लो। इन्हें कोई ना कोई चाहिए, ठीक है ना, कोई इनका दिमाग खाता रहे, और ये उनका दिमाग खाती नहीं, इसलिए इन्हें कोई ना कोई ऐसा चाहिए। तो भाई अब हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई काम नहीं सौंपा गया है, और हो सकता है ये फ़नी थोड़े से ब्लॉग पसंद आ जाए, आ सकते हैं ना। जैसा कि मैंने पूरा आपको दिखा दिया है कि कैसी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, सभी लोग लगे पड़े। हमारे ये भैया भी देखो हमें देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या बक बक कर रही हैं, और ये पीछे वाले भैया भी काम पे लगे पड़े हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारी बातों पे, वो अपने काम में मगन हैं। तो ये छोटे छोटे से ब्लॉग हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। और कोई भी भूले भटके अगर मेरे ब्लॉग सामने आ जाते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ नया होगा तो दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया लेकर, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।